हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज हमारे पास है बेटे यूपी बोर्ड का 2020 का सेट नंबर 347 WB, और ये अनसोल्ड पेपर आपके पास चाहे कोई से भी पब्लिकेशन का हो, आप अपने अनसोल्ड पेपर में सबसे पहले सेट नंबर 347 WB निकाल कर रखोगे अपने पास। और यदि आपके पास कोई भी अनसोल्ड पेपर नहीं है तो भी आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आपको सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और उनके सॉल्यूशंस भी मैं सॉल्व कराऊंगा साथ के साथ, ठीक है? अच्छा, एक बात मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ज्यादातर बच्चों को पता है कि हमने अपने चैनल पर क्लास 12 का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, और वहां पर आपको एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स भी दिए गए हैं और सारे एनसीईआरटी के उदाहरण भी करा दिए गए हैं और एनसीईआरटी के सारे अभ्यास प्रश्न भी करा दिए गए हैं और एनसीईआरटी के सारे पाठ्य निहित प्रश्न भी करा दिए गए हैं। यदि आप चैनल के होम पेज पर जाओगे तो आपको सभी चैप्टर, सभी यूनिट्स एक डेफिनेट सीक्वेंस में लगे हुए मिलेंगे। वहां से आप पढ़ सकते हो अपना पूरा सिलेबस क्लास 12th का विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो इसलिए जिस बच्चे को पूरी तैयारी करनी है वो तैयारी कर सकता है चैनल के होम पेज पर जाकर। हालांकि क्लास 11th का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए अभी मैं काम कर रहा हूँ, और आज हमारे पास बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन पेपर है यूपी बोर्ड 2020 का सेट नंबर 347 का WA। और आपको पता है सेट 347 का WB सेट ये है और WA सेट हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 347 का WB, यानी ये दूसरा सेट है। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से, सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर है हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन, पहले का क्या है। ठोस ए एक अति कठोर ठोस तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी है। भाई बहुत कठोर है, तो वो आयनिक ठोस भी हो सकता है और सहसंयोजक ठोस भी हो सकता है, दोनों ही कठोर होते हैं। गलित अवस्था में विद्युत रोधी है, भाई गलित अवस्था में जो हमारे पास आयनिक ठोस होते हैं वे तो विद्युत रोधी नहीं होते हैं। आपको पता है गलित अवस्था में आयनिक ठोस क्या होते हैं, आयनों में टूट जाते हैं और हमें प्राप्त हो जाते हैं मुक्त आयन, और वो मुक्त आयन ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। इसलिए ये आयनिक ठोस तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा गया है गलित अवस्था में कैसे होते हैं, विद्युत रोधी और बहुत उच्च ताप पर पिघलता है। और बहुत उच्च ताप पर पिघलता है तो वो तो आयनिक ठोस भी पिघलता है पर सहसंयोजक ठोस भी तो पिघलता है बहुत उच्च ताप पर, उसका भी तो गलनांक बहुत ज्यादा होता है। वह किस प्रकार का ठोस है? नंबर एक कहा आणविक ठोस। भाई आणविक ठोस तो ये हो नहीं सकता है, क्योंकि आणविक ठोस कठोर नहीं होते हैं। आणविक ठोस में जो आपके हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस होते हैं वो तो कठोर होते हैं, बाकी दो आणविक ठोस, एक तो अध्रुवीय आणविक ठोस और दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस, वो कठोर नहीं होते हैं। इसलिए ये तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। दूसरा ऑप्शन आयनिक ठोस हो सकता था, पर इन्होंने लिख दिया गलित अवस्था में विद्युत रोधी है, तो आयनिक ठोस तो गलित अवस्था में और विलयन अवस्था में विद्युत रोधी होते ही नहीं है। इनके अंदर तो विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, क्योंकि गलित या विलयन अवस्था में इनमें पाए जाते हैं मुक्त आयन, और वो मुक्त आयन ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। तीसरा है धात्विक ठोस। भाई धात्विक ठोस तो विद्युत रोधी हो ही नहीं सकते हैं, कठोर तो होते हैं धात्विक ठोस, पक्की बात है। धात्विक ठोस कठोर तो होते हैं पर विद्युत रोधी तो नहीं होते हैं ना, विद्युत धारा तो उनमें प्रवाहित होती है। और फोर्थ ऑप्शन है सहसंयोजक ठोस। हाँ, सहसंयोजक ठोस ही सही उत्तर है। तो पहले का हमारा उत्तर हुआ फोर्थ, यानी सहसंयोजक ठोस, ठीक है, क्लियर हुई बात। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं। निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है। एक तो इन्होंने दिया है पोटेशियम सल्फेट, एक दिया है सोडियम क्लोराइड, एक दिया है ग्लूकोज और एक दिया है यूरिया। हमें बताना है कि सबसे कम हिमांक किसका होगा। अब मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ कि पोटेशियम सल्फेट जो होता है, देख रहे हो ना सब, जो पोटेशियम सल्फेट होता है यानी K2SO4, वो K2SO4 कैसे टूटता है आयनों में? देखो ये लिखा हमने K2SO4, ये आयनों में कैसे टूटता है? ये दो तो बनते हैं के पॉजिटिव आयन और एक बनता है SO4 डबल नेगेटिव आयन। इसका मतलब यहाँ कुल आयन कितने बने हैं? तीन। यहाँ बने हैं हमारे पास तीन आयन, ठीक है। फिर दिया है इन्होंने NaCl। NaCl कैसे टूटता है? देखो NaCl, NaCl ऐसे टूटता है, NaCl टूटेगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। कितने आयन बने हैं? दो आयन बने हैं। उसके बाद इन्होंने दिया है ग्लूकोज, C6H12O6। भाई ग्लूकोज तो आयनों में टूटता ही नहीं है, ये तो विद्युत अपघटन नहीं है जो आयनों में टूटेगा,
उसके बाद इन्होंने दिया है यूरिया, NH2CO NH2, NH2CO NH2, ये भी आयनों में नहीं टूटता है। तो हमें देखना है कि इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे हमें सबसे ज्यादा संख्या में आयन प्राप्त होंगे, क्योंकि हिमांक में अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो हमने देखा तो हमें पता चला यार ये जो K2SO4 है, इस K2SO4 से हमें सबसे ज्यादा आयन मिले हैं, कितने आयन, 3 आयन। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे कम हिमांक किसके विलयन का होगा, पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4 का विलयन यदि हम जल में तैयार करेंगे तो उसमें आयनों की संख्या सबसे ज्यादा होगी, कणों की संख्या सबसे ज्यादा होगी, इसलिए उसका हिमांक भी सबसे कम होगा। तो उत्तर बनेगा हमारा पहला यानी पोटेशियम सल्फेट K2SO4। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जरा ध्यान से देखना, मैं जरा इसे ऊपर कर दूं थोड़ा सा, ये हम आगे ऊपर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है गय, पहले का गय, निम्नलिखित चार रंगहीन लवणों के विलयन पृथक पृथक परखनलियों में रखे गए, ठीक है, तथा प्रत्येक में तांबे की एक पट्टी डुबोई गई, प्रत्येक में हमने क्या डुबोई, तांबे की पट्टी, कॉपर, कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाता है। भाई नीला तो वो विलयन हो जाएगा जिस विलयन की धातु को कॉपर यानी तांबा हटा देगा। अब तांबा ये जिंक नाइट्रेट है, तांबा जिंक को हटा सकता है क्या, नहीं तांबा नहीं हटा सकता, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में तांबा जिंक से नीचे है, और जिंक से नीचे है इसका मतलब जिंक से कम क्रियाशील है, और जिंक से कम क्रियाशील है इसका मतलब जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता है। तो जिंक नाइट्रेट के ऊपर यदि आप तांबे का रिएक्शन कराते हो कॉपर का, तो कॉपर की हिम्मत नहीं है कि जिंक को हटा दे, क्योंकि कॉपर से ज्यादा क्रियाशील तो जिंक ही है। उसके बाद कैडमियम नाइट्रेट है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में कैडमियम भी कॉपर से ऊपर है, इसलिए कॉपर कैडमियम को भी नहीं हटा सकता है। सिल्वर नाइट्रेट का ही सवाल बार बार पेपर में आता है, यदि आप सिल्वर नाइट्रेट को देखोगे तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ये जो सिल्वर है ना, ये कॉपर से नीचे है, और जब कॉपर से नीचे है तो इसका मतलब कॉपर से कम क्रियाशील है, और कॉपर से कम क्रियाशील है तो कॉपर इसे विस्थापित कर देगा, और कॉपर इसे विस्थापित करके क्या बना देगा, कॉपर नाइट्रेट, और कॉपर नाइट्रेट जब बनेगा तो कॉपर नाइट्रेट से हमें प्राप्त होंगे Cu डबल पॉजिटिव आयन या Cu2+ आयन, जिनका कलर होता है नीला या ब्लू। इसलिए सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में यदि आपने तांबे की छड़ डुबाई, तो तांबे की छड़ या पट्टी डुबाने से क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन कैसे रंग का हो जाएगा, नीला। अब लेड नाइट्रेट की बात करें तो लेड को भी कॉपर नहीं हटा सकता है। देखो इस बात को हम कैसे समझेंगे, यदि मैंने कहा है कि हमारा आंसर क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, देखो मैं समझाता हूँ सिल्वर नाइट्रेट कैसे है। यदि आप सिल्वर नाइट्रेट की बात करते हो AgNO3 की, तो AgNO3 आयनों में कैसे टूट रहा होगा, Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। तो यहां हमें एक बात समझनी है कि सिल्वर नाइट्रेट जो है वो रंगहीन होता है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन का रंग कैसा होता है, कलरलेस, क्योंकि ये भी कलरलेस है ये भी कलरलेस है, ठीक है। सिल्वर का पॉजिटिव आयन भी कलरलेस होता है और नाइट्रेट आयन भी कलरलेस होता है, पर आपने क्या करा कि कॉपर की छड़ को डुबाया है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, AgNO3 सॉल्यूशन में आपने कॉपर की छड़ को डुबाया है, तो होगा क्या, देखो दो AgNO3 लिए हैं क्योंकि कॉपर की संयोजकता दो होती है और सिल्वर की एक, तो अकेला कॉपर दो सिल्वर को हटा देगा, इसे भी हटा देगा और इसे भी हटा देगा, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर सिल्वर से ऊपर रखा गया है। जब कॉपर सिल्वर से ऊपर रखा गया है इसका मतलब कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, और सिल्वर से अधिक क्रियाशील है तो सिल्वर को विस्थापित कर दिया। अब क्या बना, दोनों सिल्वर की जगह अकेला कॉपर आया, तो यहां बना Cu, और NO3 कितने हैं हमारे पास, दो, CuNO3 का होल ट्वाइस +2 Ag। अब मुझे एक बात बताओ, ये कॉपर नाइट्रेट बन गया, और कॉपर नाइट्रेट जब बना है तो कॉपर नाइट्रेट एक विद्युत अपघटक है, ये भी किस तरह टूटेगा, आयनों में टूटेगा, कैसे टूटेगा, Cu डबल पॉजिटिव +2 NO3 नेगेटिव। तो ये जो Cu डबल पॉजिटिव आयन होते हैं ना, ये ब्लू कलर के होते हैं, कैसे कलर के, ब्लू कलर के, इसलिए जब तक वो सिल्वर नाइट्रेट था, सिल्वर नाइट्रेट जब तक तो वो कलरलेस था, और जब वो बन गया है कॉपर नाइट्रेट, तो कॉपर नाइट्रेट बनने के कारण सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू, क्योंकि उसमें ब्लू कलर के Cu डबल पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो अगला क्वेश्चन है, ये तो समझ में आ गया तीसरा आंसर होगा सिल्वर नाइट्रेट, इस चीज को तो बिल्कुल रट लो आप। अब घे देखो, शून्य कोटि की जब भी कॉपर को कहीं हटा रहा होगा, कॉपर किसी को हटा रहा होगा तो वो सिल्वर को ही हटा रहा होगा, ज्यादातर हमारे पास इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कॉपर किसे हटाता है, सिल्वर को।
अगला क्वेश्चन देखो, घे शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक है। भाई शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक आपने याद कर रखा होगा, ये लिखा हुआ है मोल, लीटर, इनवर्स, सेकंड इनवर्स। अब इस चारों ऑप्शन में से कोई सा भी मोल, लीटर, इनवर्स, सेकंड इनवर्स नहीं है। यदि आप इस एग्जाम पेपर को देखते हो 347 WB को, तो इसमें पहला दे रखा है लीटर सेकंड इनवर्स, फिर दे रखा है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, फिर दे रखा है मोल लीटर इनवर्स सेकंड, फिर दे रखा है मोल सेकंड इनवर्स। तो इन्होंने चारों ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं दिया है। आपने याद कर रखा होगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो हमने उत्तर में यहां लिख दिया है सभी उत्तर गलत हैं। सही उत्तर क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होगा। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा मैं इसे ऊपर कर लूं। अब ठीक है ना, ठीक है बेटे। देखो चलो अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्षारीय एमीन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। C2H5NH2, CH3 का होल ट्वाइस NH, और CH3NH2 और C2H5 का होल ट्वाइस NH। मैं आपको बताता हूं कि जो क्षारीय प्रकृति होती है ना एमीन्स की, वो अनुक्रमानुपाती होती है प्लस आई इफेक्ट की। मतलब यहाँ एमीन ग्रुप से जुड़ा हुआ जो एल्काइल ग्रुप है, वो एल्काइल ग्रुप के अंदर जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव जितना ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा जो हमारा जो एमीन होगा उतना ही ज्यादा कैसा होगा, क्षारीय होगा, बेसिक नेचर उसका होगा। अब यदि आप कंपैरिजन करते हो CH3 और C2H5 का, तो CH3 और C2H5 में दोनों में प्लस आई इफेक्ट C2H5 का ज्यादा होता है। तो इन दोनों का कंपैरिजन करते हो तो इन दोनों में ज्यादा क्षारीय कौन होगा, CH3NH2 होगा या C2H5NH2? आप कहोगे कि सर CH3NH2 से ज्यादा क्षारीय C2H5NH2 होगा। ऐसा पता क्यों होता है, देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो यदि मैंने यहाँ लिखा है, मैंने लिखा है CH3NH2, ठीक है, ये लिख दिया, और एक बार मैंने लिखा है C2H5NH2। इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, इसमें नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर होता है, आपको पता है, यहाँ भी लॉन पेयर होगा, यहाँ भी लॉन पेयर। इस लॉन पेयर को जितना आसानी से ये किसी दूसरे स्पीसीज को दे देता है ना, इसे उतना ही ज्यादा क्षारीय माना जाता है। तो किसी भी एमीन का बेसिक करेक्टर या बेसिक स्ट्रेंथ आपको चेक करना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो कितनी आसानी से अपना लॉन पेयर डोनेट करता है। तो ये जितनी आसानी से अपना लॉन पेयर डोनेट करेगा, मैं कहूंगा उतना ज्यादा बेसिक नेचर होगा या बेसिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होगा। अब यदि आप CH3 की बात करते हो, तो CH3 और NH2 इनके बीच जो बॉन्ड है, उसका बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर को सरकेगा, क्योंकि ये जो है CH3 एक प्लस आई ग्रुप है, ये इस बॉन्ड पेयर को धक्का देगा, जिसके कारण से ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और इधर जाएगा, तो इसका रिलीज होना आसान हो जाएगा। अब C2H5 ग्रुप की बात करें, तो इसका प्लस आई इफेक्ट CH3 से भी ज्यादा होता है। इसका मतलब यहाँ जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो NH2 की तरफ बहुत ज्यादा सरकेगा, जिसके कारण इस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना इसके मुकाबले ज्यादा आसान यहाँ होगा। इसलिए CH3NH2 से ज्यादा क्षारीय तो C2H5NH2 होगा भाई। अब पर यहाँ एक बात भी तो है, यहाँ इन्होंने चलो यहाँ दिए CH3 का होल ट्वाइस NH, दो CH3 दिए और यहाँ दिए दो C2H5, तो इन दोनों में तो स्ट्रॉन्ग बेस ये है, पर यहाँ दो CH3 और दो C2H5 जब आपको मिलते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? इसमें दो CH3 हैं और इसमें दो क्या है, C2H5, तो दो हैं और C2H5 हैं, ये तो बहुत बड़ी बात हुई। तो इसलिए यहाँ प्लस आई इफेक्ट इन चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट हमें यहाँ देखने को मिलेगा, जिसके कारण इस नाइट्रोजन एटम के ऊपर जो लॉन पेयर होगा वो लॉन पेयर रिलीज होगा सबसे आसानी से। इसलिए हम कहेंगे चारों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, ये फोर्थ ऑप्शन होगा। तो उत्तर में हमने लिखा है फोर्थ, क्या लिखा है, C2H5 का होल ट्वाइस NH, क्योंकि क्षारीय प्रकृति जो एमीन की होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट के। ठीक है, उसके बाद चे देखते हैं। चे के ऊपर स्टार लगाया, आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब 30% में हटा दिया गया है। ये है एस्कॉर्बिक अम्ल नाम है, ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है। एस्कॉर्बिक एसिड किसे कहते हैं, विटामिन सी को। उसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। थोड़ा ऊपर कर लूँ इसे नोटबुक को, हो गया ऊपर, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दूसरे का क्या, एक धात्विक तत्व का क्रिस्टल जालक घनीय है। ठीक है, क्रिस्टल जालक कैसा है, घनीय है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इकाई कोष्ठिका के प्रत्येक किनारे की लंबाई 2 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। प्रत्येक किनारे की लंबाई का मतलब ए दिया है, भुजा दी है, भुजा क्या दी है, भुजा। धातु का घनत्व 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, घनत्व दे दिया, डेंसिटी डी। 200 ग्राम धातु में इकाई कोष्ठिकाओं की संख्या क्या होगी? इन्होंने कहा एक धात्विक तत्व का क्रिस्टल जालक घनीय है, इकाई कोष्ठिका के प्रत्येक किनारे की लंबाई 2 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। हमने लिख लिया ए यानी भुजा कह दो या कोर कह दो या किनारे की लंबाई कह दो, कितना है, 2 × 10⁻⁸। धातु का घनत्व, तो जब आपको भुजा पता चल गई है और घनीय जालक है तो हमने ए से ही निकाल लिया है ए क्यूब, जिसे आप आयतन या वॉल्यूम कह सकते हो। क्या निकाल लिया, ए क्यूब, 2 × 10⁻⁸ का होल क्यूब कर दिया। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और 10⁻⁸ का क्यूब होता है 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, −24, इतने सेंटीमीटर क्यूब। फिर इन्होंने घनत्व दिया था 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, हमने लिख लिया घनत्व, डेंसिटी कितना है, 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। उन्होंने कहा 200 ग्राम धातु में इकाई कोष्ठिकाओं की संख्या, धातु का भार दे रखा है 200 ग्राम, इसमें बतानी है हमें यूनिट सेल्स की संख्या, यहाँ लिख लिया हमने यूनिट सेल का नंबर हमें बताना है, क्वेश्चन मार्क लगा लिया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। देखो मैंने आपको फार्मूला सिखा रखा है, ये वाला जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ए क्यूब इंटू डी। डब्ल्यू क्या है कि आपने कितने ग्राम लिया है वो क्रिस्टलीय ठोस, ए क्यूब क्या है उसकी इकाई कोष्ठिका का आयतन, यूनिट सेल का वॉल्यूम, ठीक है। आपको बताया ना आयतन का फार्मूला होता है भुजा की घात 3, और डी क्या है उसका डेंसिटी है। और डब्ल्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे डब्ल्यू की जगह 200 ग्राम हमने लिख लिया। ए क्यूब हमने निकाल रखा है 8 × 10⁻²⁴ लिख लिया। डी डेंसिटी कितना दिया है, 2.5, तो इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, आप इस दशमलव को हटाओ ऊपर तो 10 लिख दो, और उसके बाद 25 8 200, ये 200 से ऊपर के 200 गए, 10 की घात ऊपर तो 10 तो बचा ही है, नीचे 10 की घात कितनी है, −24, −24 ऊपर जाके हो जाएगी +24, और +1 घात ये है तो +25 हो जाएगी ना घात। तो उस 200 ग्राम कितना था, 200 ग्राम धातु का वो टुकड़ा था, और उसमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितने आ रहे हैं, 10 की घात 25 यूनिट सेल उसके अंदर हैं, ये हमारा आंसर है। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज को, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो अगला क्वेश्चन है, कहाँ गया अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन, मिल गया, देख रहे हैं ना सब, देखो एक मिनट जरा थोड़ा सही कर लूं इसे, अब हो चुका है सही। देखो दूसरे का खै, गन्ने की शक्कर के 1.17 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोलने पर, समझ रहे हैं ना कितने ग्राम जल में, 25 ग्राम, विलायक का क्वथनांक 0.017 डिग्री सी बढ़ जाता है, ये डेल्टा टी है, इसे चाहे आप कैल्विन में ले लो चाहे आप इसे डिग्री सी में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। विलायक का अणु उन्नयन स्थिरांक क्या होगा, शक्कर का अणुभार दे रखा है 342, ये तो आपको याद ही रखना चाहिए, ठीक है। स्मॉल डब्ल्यू, गन्ने की शक्कर के 1.17 ग्राम को, स्मॉल डब्ल्यू दे रखा है 1.17 ग्राम, 25 ग्राम पानी में घोलने पर, कैपिटल डब्ल्यू दे रखा है 25 ग्राम, विलायक के क्वथनांक इतना बढ़ जाता है, डेल्टा टी दे रखा है 0.017 डिग्री सी, और विलायक का अणु उन्नयन स्थिरांक क्या होगा, केवी इन्होंने पूछा है, और अणुभार दे रखा है शक्कर का 342। सीधा सवाल है बिल्कुल, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर साल पूछा जाता है, हर सेट में ध्यान रखना। फार्मूला मैंने आपको अणुभार का सिखा रखा है, एम इज इक्वल टू 1000 kW अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो के बी, यहाँ से यदि आपको के बी निकालना है तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, एम डेल्टा टी कैपिटल डब्ल्यू का, एम डेल्टा टी कैपिटल डब्ल्यू अपॉन में आ जाएगा 1000 और स्मॉल डब्ल्यू आ गया है ना। तो इस फार्मूले से केबी का फार्मूला हमने बना लिया है, कुछ बच्चों के केबी का फार्मूला ही डायरेक्ट याद होगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो केबी जब आप निकाल लोगे, एम के जगह क्या लिखोगे, भाई एम के जगह हम लिखेंगे 342, अणुभार शक्कर का 342 है, चीनी का 342 है, कुछ भी कह दो आप, तो अणुभार कितना आया, अणुभार तो आया 342, ठीक है। उसके बाद अगली बात करते हैं, एक मिनट रुक जाओ जरा, मेरा कॉल आ रहा है, किसे, फोन को मैं साइलेंट कर लूं, ठीक है, ये कर लिया मैंने साइलेंट, अब बात करते हैं। चलो ये है हमारे पास, कहाँ थे भाई, हम यहाँ थे, यहाँ इन्होंने एम एम 342 है, उसके बाद डेल्टा टी टेम्परेचर कितना राइज हुआ है, टेम्परेचर कितना राइज हुआ है, 0.017 डिग्री सी लिख लिया, 0.017 डिग्री सी। उसके बाद
कैपिटल डब्ल्यू 25 ग्राम पानी था, कैपिटल डब्ल्यू 25 ग्राम, 1000 ज्यों का त्यों है, स्मॉल डब्ल्यू कितना था, स्मॉल डब्ल्यू था 1.17 ग्राम। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि यहाँ से आप इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेना। कर लोगे मल्टीप्लाई, 342.017 और 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा, और अपॉन में 1000 है और 1.17 है, तो आप 1.17 से 145.35 को जब काटोगे तो ये आ जाएगा 124.23, अपॉन में आ जाएगा हमारा 1000। और आपको पता है 1000 में कितने जीरो होते हैं, तीन, तो तीन जीरो के कारण 0.3 अंक पहले आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.12423, तो 0.12 डिग्री सी, ठीक है, या 12 डिग्री कैलवन, इतना होता है इसका केवी, ठीक है, इतने कैलविन प्रति मोलल भी आप इसे कह सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है दूसरे का गैर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, एम इज इक्वल टू 1000 के डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू के ऊपर न्यूमेरिकल हर साल पूछा जाता है। अब देखो, चलो दूसरे का गैर, सिल्वर नाइट्रेट के किसी विलयन के 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करने में 1.24 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने में कितना समय लगेगा, ठीक है, सिल्वर का परमाणु भार दे रखा है 108। अच्छी बात यह है कि 30% में हटाया गया पूरा चैप्टर, पूरा चैप्टर क्या यार, ये तो वो है फैराडे का नियम है, तो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम तो रिड्यूस कर दिए गए हैं 30% में, इसलिए ये क्वेश्चन हमारे पास नहीं आएगा इस साल बोर्ड एग्जाम में। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम, दूसरे का कौन सा है, घ, थोड़ा सा मैं इस नोटबुक को ऊपर कर लूं, दूसरे का घ, दूसरे का घ देख पा रहे ना आप, ये है दूसरे का घ, ठीक है, करें स्टार्ट, अब देखते हैं। चलो दूसरे का घ है, ब्राउनी गति क्या है, इसका कारण क्या है, ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, ये सारी बातें बतानी है। आपको पता है कि कोलाइडी विलयन जो होता है ना, मान लो आपने एक एक बड़ा सा कांच की पट्टी ले लिया, कोई समतल स्थान है आपके पास, और इसमें आपने कोलाइडी विलयन की कुछ बूंदें डाल दी इस तरीके से, यहाँ बहुत सारा कोलाइडी विलयन है, तो आपको पता है कि कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं ना, ये मान लो कोलाइडी कण है, तो कोलाइडी कण इधर उधर ब्राउनी गति करते हैं, जिग जैग मोशन, अनियमित गति ऐसे करते रहते हैं ना, कि एक कण इधर आया, टकराया, फिर उसने अपनी दिशा बदल ली, टकराया, फिर दिशा बदली, टकराया, फिर दिशा बदली, तो इस तरह की जो अनियमित गति होती है, इसकी खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने, और उसने ग्लिसरीन के ऊपर क्या डाले थे, पुष्प के पराग कण डाले थे, और पुष्प के पराग कणों को डालकर उसने देखा था कि पराग कण अनियमित रूप से गति करते हैं, इसका कारण यह हो सकता है कि ग्लिसरीन के पार्टिकल्स भी अनियमित रूप से गति कर रहे होंगे, और इस गति की खोज क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, तो इसलिए हम इस गति को कहते हैं ब्राउनी गति, क्या कहते हैं, ब्राउनी गति, तो यहाँ लिखा हुआ है ब्राउनी गति की परिभाषा, शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से देखने पर पता चलता है कि कोलाइडी कण लगातार अनियमित गति या टेढ़ी मेढ़ी गति या जिगजैग मोशन करते हैं, इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं, इस टेढ़ी मेढ़ी गति को, इस जिगजैग मोशन को या अनियमित गति को हम क्या कहते हैं, ब्राउनी गति, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। अब इन्होंने पूछा था इसका कारण क्या है, कारण देखो, कोलाइडी कणों का प्रक्षेपण माध्यम के कणों से लगातार टकराना, कोलाइडी कण जिसे आप कहते हो प्रक्षिप्त प्रावस्था, और प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है, प्रक्षेपण माध्यम ऐसा होता है जैसे विलायक, जैसे जल, तो कोलाइडी कणों का प्रक्षेपण माध्यम के कणों से टकराने के कारण होता है ब्राउनी गति, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कोलाइडी कण क्या प्रक्षेपण माध्यम के कणों से ही टकराएंगे, यानी प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण या कोलाइडी कण क्या आपस में नहीं टकरा सकते हैं, तो इसका सीधा साधा आंसर तो यह है कि आपको यार एक बात तो पता ही होगी, आपको एक बात ये पता होगी कि कोलाइडी कण जो है उनके ऊपर सेम चार्ज होता है, एक जैसा आवेश होता है उनके ऊपर, और जब उनके ऊपर एक जैसा आवेश होगा तो क्या वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, नहीं, और जब वे एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे, वे प्रतिकर्षित ही करेंगे, तो उनके आपस में टकराने के चांस बहुत कम होंगे, ठीक है, इसलिए यहां लिखा है कारण में कि कोलाइडी कणों का प्रक्षेपण माध्यम के कणों से लगातार टकराना। अब आते हैं हम अगले पार्ट पर इस क्वेश्चन के, प्रभावित करने वाले कारक, भाई ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, सबसे पहले है कोलाइडी कणों का आकार बढ़ने पर ब्राउनी गति मंद होती है, मंद माने धीमी, स्लो, यार ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपको पता है यदि कोलाइडी कणों का साइज बढ़ेगा तो साइज बढ़ने से क्या होगा, उनके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल शायद ज्यादा लगे, वैसे तो गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ लगता नहीं है,
कोलाइडी कणों का साइज इतना नहीं होता कि गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, पर यह बात पक्की है कि साइज बढ़ेगा तो उनकी गतिज ऊर्जा घटेगी, और गतिज ऊर्जा घटेगी तो सीधी बात है गतिज ऊर्जा घटेगी तो ब्राउनी गति भी घटेगी, उनका वेग घटेगा। आपको बताया कि पतले पतले आदमी जितनी तेज भाग सकते हैं, मोटे मोटे आदमी भाग सकते हैं क्या यार उतनी तेज? नहीं भाग सकते हैं, पक्की बात है बिल्कुल। उसके बाद दूसरा है, ताप बढ़ने पर ब्राउनी गति में वृद्धि होती है, सीधी बात है। यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो जो हमारे कोलाइडी कण हैं उनका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वेग बढ़ेगा, और वेग बढ़ेगा तो ब्राउनी गति तो बढ़ेगी फिर, ठीक है? कभी कभी आपने देखा होगा जब आपकी मम्मी को गुस्सा आता है ना, या किसी बड़े भाई बहन को, तो गुस्से में टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो काम करने की स्पीड भी बढ़ जाती है। तो सीधी बात है, काम करने की स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर या गुस्सा। उसके बाद आते हैं नंबर 3, ब्राउनी गति समय के साथ अपरिवर्तित रहती है। बहुत काम की बात है भाई, ब्राउनी गति जो होती है ना ये समय के साथ अपरिवर्तित रहती है। ऐसा नहीं होता कि आपने जो है कोई कोलाइडी विलयन किसी बर्तन में भर के रखा, और बर्तन में भरने के बाद आप 1 घंटे बाद आके चेक कर रहे हैं या 1 दिन बाद आके चेक कर रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा है यार ये क्या हुआ, ये कोलाइडी कणों ने तो यार ब्राउनी गति करनी ही बंद कर दी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा पता क्यों नहीं होगा? क्योंकि ब्राउनी गति में पता क्या होता है, जब 2 कोलाइडी कण आपस में टकराते हैं ना तो वहां एनर्जी लॉस नहीं होता है, वो इफेक्टिव कोलिजन होता है, या आप उसे कह सकते हो हिंदी में पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर। पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर वो टक्कर होती है जिसमें एनर्जी लॉस नहीं होता है, ऊर्जा की हानि नहीं होती है। इसलिए ब्राउनी गति समय के साथ अपरिवर्तित रहती है। समय यदि बढ़ेगा तो समय के बढ़ने से, चाहे आप उसे 1 दिन रखो, 10 दिन रखो, 50 दिन रखो, 1 साल रखो, कितने ही दिनों तक कोलाइडी विलयन को रखोगे तो ब्राउनी गति में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो उतना ही स्पीड से लगातार चलती रहेगी। नंबर 4 पे आ जाओ जरा, 4 क्या है? ब्राउनी गति पर गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यार अभी ऊपर तो बताई मैंने आपको कि ब्राउनी गति पर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मैं थोड़ा ऊपर कर दूं इसे नोटबुक को भाई। गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव यदि ब्राउनी गति पे पड़ता ना तो क्या होता बताओ? यदि गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ता ब्राउनी गति के ऊपर तो आपके हिसाब से क्या होता? तो फिर तो कोलाइडी कण नीचे ही बैठ जाते बर्तन की तली में, और यदि कोलाइडी कण बर्तन की तली में बैठ जाते तो यार फिर उसे कोलाइडी विलयन कौन कहता है? यूं तो बता दो, कौन कहता है उसे कोलाइडी विलयन? फिर तो आप यार उसे निलंबन कहते। क्या कहते? निलंबन। ये तो निलंबन है, कोलाइडी विलयन तो है ही नहीं है, क्योंकि कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं वे कभी भी रेस्ट नहीं करते हैं, आराम नहीं करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के कह पर। एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 के मोल प्रभाज की गणना कीजिए यदि जलीय विलयन में इथाइलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो यहां तो लिख लिया हमने ग्लाइकोल और यहां लिख लिया हमने जल, हमें पता है इन्होंने कहा है 20%, तो पक्की बात है 20 ग्राम तो होगा ग्लाइकोल और 80 ग्राम होगा पानी। 20% भार का मतलब तो समझते हो आप, 20% भार का मतलब यह है कि 20 ग्राम तो ग्लाइकोल होगा भाई, 80 ग्राम पानी होगा, दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए? 100 ग्राम आना चाहिए। अब M1 का मतलब मॉलिकुलर वेट है या मॉलिकुलर मास, इसका आप अणु भार निकाल सकते हो या मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हो। देखो 2 तो हैं कार्बन 12 वाले, 2 तो हैं कार्बन 12 वाले, प्लस 6 हैं हाइड्रोजन 1 वाले, 6 हैं हाइड्रोजन 1 वाले, हाइड्रोजन का परमाणु भार एक ही तो होता है, प्लस 2 हैं ऑक्सीजन 16 वाले, 2 हैं ऑक्सीजन 16 वाले, ये निकालना सिखा रखा है ना आपको। तो 12 दूनी 24 और 6 कम 6 और 16 दूनी 32, जोड़ोगे तो 62, इसका अणु भार आ गया 62। अब इसका भी निकाल लो यार। M2 जल का, जल का तो आपके याद ही होगा 18 होता है, सीधा लिख सकते हो आप। यदि आपको अणु भार सबके याद हैं, मॉलिकुलर मास या मॉलिकुलर वेट या मोलर मास या मोलर वेट आपको याद हैं तो यू कैन राइट डायरेक्टली, आपको कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है, इधर तो हमारे पास ग्लाइकोल था, इधर पानी था, दोनों का हमने भार लिख लिया, दोनों का हमने अणु भार लिख लिया। अब आप यार दोनों के मोल निकाल लो, मोल भार बटे अणु भार से निकलते हैं ना, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट से। वेट कितना है इसका? 20 ग्राम। मॉलिकुलर वेट कितना है? 62, ये निकाल रखा हमने। डिवाइड करोगे 0.32। इसी तरीके से आप जल का निकाल लो मोल, जल के मोल कैसे निकालेंगे? वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट से। वेट कितना था इसका? 80 ग्राम था। मॉलिकुलर वेट इसका कितना होता है? पानी का सबको पता है 18 होता है। कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा 4.44। तो मुझे एक बात बताओ, दोनों को लिखा, दोनों के भार लिखे, दोनों के अणु भार लिखे, और भार बटे अणु भार से दोनों के मोल निकाल लिए N1 N2। अब हम पता क्या करेंगे, अब हम कुल मोल निकाल लेंगे। कितने मोल? कुल मोल, ठीक है? देखते हैं कहाँ है, एक मिनट मैं जरा सही कर लूँ इसे, इसे सही करना भी बहुत महाभारत है। अब हो गया ना सही? देखो
देखो हो गया क्या, हो गया सही, ये हो गया। देखो हमने दोनों का भार लिखा था, दोनों का भार लिखने के बाद दोनों का क्या लिखा था, अणु भार, और फिर दोनों के क्या निकाले थे, मोल, और अब हम निकाल रहे हैं कुल मोल। देखो ये क्या लिखा हुआ है, कुल मोल एन टोटल, ठीक है, कैसे निकलेगा, एन वन प्लस एन टू से। एन वन कितने मोल आए थे, 0.32, एन टू पानी के कितने मोल आए थे, 4.44, दोनों को जोड़ा 4.76, तो कुल मोल ही आ गए। आपको निकालना था इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल प्रभाज, जिसका भी मोल प्रभाज निकालना हो उसके मोल ऊपर लिखो और बटे में लिखो कुल मोल। तो N1 कितना था हमारे पास, N1 था 0.32, और NT टोटल मोल कितने थे, 4.76, डेसिमल से तो डेसिमल उठ जाएगा। 32 को जब आप 476 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 0.067, इतना आंसर है। और आपकी नॉलेज के लिए एक बात बता दूं, ये जो मोल प्रभाज होता है ना, इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता मात्रक, इसलिए नहीं होता मात्रक क्योंकि ये अनुपात है, एक ही भौतिक राशि का अनुपात है मोलों की संख्या का। ठीक है, आते हैं चलो अगले क्वेश्चन पर, तीसरे का खै, तीसरे का खै देखते हैं, ध्यान से देखना बिल्कुल। और एक बात हमेशा ध्यान रखा करो, जब भी आपको पता है ना हम क्या कर रहे हैं, हम अनसोल्ड पेपर यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, और सेट है ये 347, 347 WB, यही तो है ना सेट, 347, 347 WB सेट का नाम है, 347 WB। करें स्टार्ट, देखो चलो तीसरे का खै। एक बात ये ध्यान रखनी है आपको, हाँ मैं भूल ही गया था बीच में, एक बात ये ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा प्लेलिस्ट के अनुसार ही पढ़ना चाहिए। इस चीज को दिमाग में घुसा लो अपने भाई, कि जब भी पढ़ना है तो प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। यदि आपको सीखना है तो प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ो, चैनल के होम पेज से जाके पढ़ो। आधे बच्चे सोचते रहते हैं कि सर आपने रिविजन नहीं कराया, सर आपने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं कराए, आपने बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं कराए, मल्टीपल चॉइस। अब यदि आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप जाके तो देखो जरा एक बार, वहाँ सारा मटेरियल है, होम पेज पे ही लगा हुआ है सारा मटेरियल, हर एक टॉपिक मिल जाएगा, हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा, चाहे वो उदाहरण हो, चाहे वो पाठ्य निहित प्रश्न हो या अभ्यास प्रश्न हो। तीसरे का खे देखो चलो, कोलराउस नियम क्या है, कोलराउस नियम क्या है, इसके द्वारा दुर्बल विद्युत अवघटे के वियोजन कोटि की गणना किस प्रकार करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कोलराउस नियम। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघटक के विलयन की तुल्यांकी चालकता में प्रत्येक आयन अपना निश्चित योगदान देता है, या प्रत्येक आयन का अपना निश्चित योगदान होता है। ठीक है, प्रत्येक आयन, पेन कहाँ गया मेरा, ब्लू पेन, प्रत्येक आयन का अपना निश्चित योगदान होता है, यहाँ आना चाहिए था का, प्रत्येक आयन का अपना निश्चित योगदान होता है। ठीक है, ध्यान रखोगे, यानी इसका मतलब है देखो क्या लिखा हुआ है, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होती है वो अनंत तनुता पर धन आयन की तुल्यांकी चालकता प्लस अनंत तनुता पर ऋण आयन की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होती है। ऐसे भी लिख सकते हो आप कि अनंत तनुता पर किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता अनंत तनुता पर धन आयन की तुल्यांकी चालकता तथा अनंत तनुता पर ऋण आयन की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होती है। तो फार्मूले की भी परिभाषा बना सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अवघटक की मोलर चालकता धनायनों व ऋणायनों की मोलर चालकताओं का योग होती है, यानी अनंत तनुता पर मोलर चालकता बराबर होती है धन आयन की मोलर चालकता अनंत तनुता पर और ऋण आयन की मोलर चालकता अनंत तनुता पर। आप यहाँ M लिख सकते हो मोलरता को दिखाने के लिए, धनायन और ऋणायन की चालकताओं में। और फिर इन्होंने पूछा था वियोजन की मात्रा की गणना कैसे करते हैं, तो सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको वियोजन की मात्रा एल्फा निकालनी है तो आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हो, लैम्डा सी अपॉन लैम्डा इन्फिनेटिव, जहां एल्फा क्या है, एल्फा, ये एल्फा ये क्या है, वियोजन की मात्रा है, और लैम्डा सी क्या है, किसी भी सांद्रता पर तुल्यांक की चालकता है, सी माने कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन पर तुल्यांक की चालकता, और लैम्डा इन्फिनिटिव क्या है, अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं चलो, अगला क्वेश्चन है, देखो सही है क्या नोटबुक हमारी, सही है ना, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरे का गय, तीसरे के गय में कहा है उत्प्रेरक वर्धक तथा उत्प्रेरक विष को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
भाई 30% में हटाया गया, ये क्वेश्चन तो है ही नहीं हमारे पास। तीसरे के घ का पहला, उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव उच्च होते हैं क्यों? सबको पता है उत्तर, देखो क्यों होते हैं, क्योंकि उत्कृष्ट गैसों की बाहरी कक्षा संतृप्त होती है, अर्थात एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 8। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब ही तो संतृप्त होती है। यह एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 होता है, यानी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 होना, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन को जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भाई जब स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी फिर, और जब ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तभी तो कहा है आयनन विभव उच्च होते हैं। ये इसलिए होते हैं उच्च क्योंकि बाहरी कक्षाएं पूरी भरी हुई हैं, संतृप्त हैं, NH2NP6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब देखते हैं तीसरे के घ का सेकंड, नियोन के प्रमुख उपयोग लिखिए। उपयोग में नंबर 1, विसर्जन ट्यूब व प्रदीप्त बल्बों में विज्ञापन के लिए, ये तो याद करने वाला है। और नंबर 2, नियोन बल्बों का उपयोग ग्रीन हाउस में, ये तो याद कर लेना आप। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो आप, चौथे का क, चौथे के क में कहा गया है पाइरोल्यूसाइड से KMnO4 बनाने का वर्णन कीजिए तथा इसकी ऑक्जेलिक अम्ल से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। सबको पता है कि 30% में हटाया गया है KMnO4b और K2Cr2O7b, दोनों को 30% में हटा दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं, चलो अगले। अब हमारे पास है फोर्थ का ख, चौथे का ख, एथिल एमीन बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न के साथ अभिक्रिया बताइए। क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन बताना है, नाइट्रस अम्ल के साथ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं, ध्यान रखना। देखो C2H5NH2 बनाने की विधियां क्या करेंगे, सबसे पहली विधि बताइए C2H5CONH2 है, ठीक है, इसके ऊपर Br2 और KOH का रिएक्शन कराओ। ये तो लिखा Br2, KOH कितने लिए हैं हमने? 4। जब रिएक्शन कराओगे तो 2 तो K और 2 तो Br, ये हमने बॉक्स में बंद करे, ये निकाल दिए 2KBr, और एक H2O यहाँ से निकलेगा, एक H2O यहाँ से, ये लिख दिया 2H2O। अब देखो क्या बचा, K कितने बचे हैं? 2। कार्बन कितना है? ये वाला कार्बन यहाँ से जाएगा, एक कार्बन ये बचा है, 2K हैं ये वाले। K2CO कितने बचे हैं? 1, 2 और 3, K2CO3। तो यहाँ ध्यान रखना है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। इसमें बीच का CO गायब हो जाता है, एमाइड का C2H5CONH2 है ना, तो ये एमाइड है, RCONH2। जब आप किसी एमाइड का रिएक्शन Br2 और KOH के साथ करते हो तो वो एमीन में कन्वर्ट हो जाता है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। तो एक तो एमीन बनाने का तरीका यह है, एमाइड से एमीन बनाना, ठीक है, कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नाम से भी आता है क्वेश्चन में, हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो यही रिएक्शन आपको लिखनी है। उसके बाद दूसरा तरीका हम करेंगे C2H5NO2, ठीक है, इसे आप नाइट्रो इथेन भी कह सकते हो। तो नाइट्रो इथेन के ऊपर हम क्या करेंगे, SnHCl का जब रिएक्शन करेंगे तो वहां से हमें प्राप्त होंगे नवजात हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है? 6। दो बॉन्ड टूट जाएंगे, दो हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन इधर, और ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उपसह संयोजक बॉन्ड, ये टूट जाएगा, दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरफ। तो एक तो H2O ये बना, देखो यहाँ से H2O बनाना ये, और एक H2O ये बना, जल के दो अणु बनेंगे और मेन प्रोडक्ट आएगा C2H5NH2, C2H5NH2 आएगा मेन प्रोडक्ट। और इन्होंने कहा था एथिल एमीन बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए, तो हमने एक तो एथिल एमीन बनाने की रासायनिक समीकरण ये लिख दी, देखो इथाइल एमीन बना है, और यहाँ भी। फिर कहा इन्होंने क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन नाइट्रस अम्ल के साथ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। C2H5NH2, इसका हमने क्लोरोफॉर्म CHCl3 को ऐसा लिख सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और KOH, जितने Cl हैं उतने ही KOH लेने हैं, 3 KOH, तो यहाँ से तीनों के तीनों Cl, ये निकल गए 3 KCl। उसके बाद H देखो कितने हैं, 1, 2, 3, 4 और 2, 6, तो हमने 6H को ऐसे लिखा, 3 × 6। ऑक्सीजन कितने हैं? 1, 2, 3, तीनों, तो 3 जल के अणु बन जाएंगे, ये 3 जल के अणु बन गए। अब हमारे पास क्या बचा है, C2H5 बचा है, लिख दिया, N बचा है, लिख दिया, और ये वाला कार्बन भी तो बचा है, ये भी लिख दिया। तो यहाँ क्या बनता है, इथाइल आइसोसाइनाइड बनता है, और इथाइल आइसोसाइनाइड बनने के कारण इस कार्बाइल अमाइन अभिक्रिया को, कार्बाइल अमाइन अभिक्रिया तो आप इसे कह सकते हो, इसी के साथ साथ आप इसे आइसोसाइनाइड अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हो, ध्यान रखोगे ना, कभी इस नाम से आ जाए एग्जाम में आइसोसाइनाइड अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आइसोसाइनाइड रिएक्शन जो है वो कार्बाइल एमाइन रिएक्शन का ही दूसरा नाम है,
और ये ऊपर हमने पढ़ी हाफमैन ब्रोमेमाइड अभी करिया, जो नेम रिएक्शन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और नेम रिएक्शन की प्लेलिस्ट मैंने पूरी तैयार कर रखी है, नेम रिएक्शन की प्लेलिस्ट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या, अभी तो ये रह गया, अभी तो हमने क्लोरोफॉर्म के साथ यही तो करा हमने फर्स्ट, क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कर ली। अब उसके बाद इन्होंने एक रिएक्शन और दी थी हमें नाइट्रस अम्ल के साथ, ये है C2H5NH2 यानी इथाइल अमीन। इसके ऊपर जब आप HNO2 यानी नाइट्रस अम्ल का रिएक्शन करोगे, तो मैंने आपको सिखा रखा है कि नाइट्रोजन के दोनों तरफ के बॉन्ड टूट जाएंगे और HNO2 को ऐसे जोड़ना है OHNO। तो OH जब जुड़ेगा तो C2H5OH तो ये बन गया, N और N, N2 ये बन गया, H2O ये बन गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मैं थोड़ा सा इसे नोटबुक को ऊपर कर लूं, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। फोकस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ना, देखो चलो। चौथे का गै, योगात्मक बहुलकीकरण क्या है नाइलॉन 6 6 और टेफलोन बनाने के, रासायनिक समीकरण लिखकर उनके उपयोग लिखिए। अरे यार 30% में हटाया गया, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, हटा दिया 30% में। चौथे का गह देखो, पूती रोधी वी संक्रामी तथा प्रतिजैविक क्या है, उदाहरण भी दीजिए, इसे भी पूरे चैप्टर को हटा दिया गया है 30% में। पांचवे के कह पे आ जाओ आप, पांचवे के कह पे आ जाओ, मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर दूं, थोड़ा सा ऊपर कर दूं इसे, पांचवे का। ठीक है चलो देखते हैं, फिर देख लेंगे इसे। पांचवे के कह का पहला, अभिक्रिया की आणविकता और कोटि को परिभाषित कीजिए, दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में देखो आणविकता में क्या लिखा है, हमें आणविकता में लिखा है किसी संतुलित सरल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में आप जब किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, वहां क्वेश्चन लिखने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन तो जो रेड कलर से मैंने लिख रखे हैं, वो सिर्फ इसलिए लिख रखे हैं जिससे आपके पास यदि अनसोल्ड पेपर ना हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन लिख रखे हैं। पर आपको क्वेश्चन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब आप अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिख रहे होंगे तो वहां आपको उत्तर नंबर बिल्कुल सही डालना है और अपने प्रश्न का केवल और केवल उत्तर ही लिखना है। और उत्तर लिखने के पश्चात आपको एक बात पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि आप उत्तर लिखने के बाद कम से कम एक लाइन अवश्य छोड़ दें, एक लाइन छोड़ने के बाद फिर अगले प्रश्न का उत्तर दें। जिन प्रश्नों को आप भली भांति जानते हो, बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, उन प्रश्नों के उत्तर सदैव सबसे पहले देने चाहिए, और फिर उन प्रश्नों को करना चाहिए जिन्हें आप कुछ कम जानते हो, और जिन प्रश्नों को आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो उन प्रश्नों के उत्तरों को हमें सबसे बाद में करना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। तो इन्होंने एक तो आणविकता पूछा था, आणविकता का मतलब क्या है, किसी संतुलित सरल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं, सिखा रखा ना आपको। उसके बाद इन्होंने पूछा था कोटि की परिभाषा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या को कोटि कहते हैं जिनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है तथा जिनकी सांद्रता बदलने पर अभिक्रिया का वेग बदल जाता है। उसके बाद हमें बताना है कोटि और आणविकता में अंतर, एक मिनट थोड़ा सा इसे सही कर लूं, कोटि और आणविकता में अंतर बताना है हमें। ठीक है, कोटि और आणविकता में अंतर। अब देखो एक तरफ तो हमने लिखा है कोटि, एक तरफ लिखा है आणविकता। कोटि में नंबर एक, इसे प्रयोगों द्वारा ज्ञात करते हैं, सबको पता है कोटि ज्ञात करनी है तो प्रैक्टिकल से ज्ञात करोगे आप। आणविकता क्रियाविधि से ज्ञात करते हैं, कोटि यह प्रायोगिक मान है, भाई जब प्रयोगों से ज्ञात करें तो प्रायोगिक मान ही होगा। आणविकता यह सैद्धांतिक मान है, कोटि कोटि शून्य पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक हो सकती है। आणविकता शून्य ऋणात्मक व भिन्नात्मक नहीं होती है, आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या में होती है और जीरो भी नहीं होती है, प्राकृतिक संख्या कह सकते हो आप। नंबर चार, कोटि सरल व जटिल दोनों की ज्ञात की जा सकती है, यानी सरल अभिक्रिया और जटिल अभिक्रिया, ठीक है, दोनों अभिक्रियाओं की ज्ञात की जा सकती है, यहाँ अभिक्रियाएं आना चाहिए, कोटि सरल व जटिल दोनों, यहाँ क्या आना चाहिए, दोनों अभिक्रियाओं की ज्ञात की जा सकती है, सरल की भी और जटिल की भी। आणविकता केवल सरल यानी प्रारंभिक, सरल यानी प्रारंभिक अभिक्रिया की ज्ञात की जा सकती है। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन।
अच्छा एक अंतर और देख लो इसमें, एक अंतर और देख लो आप। वैसे तो फ्रेश वीडियोस में सारी चीज पढ़ा रखी है आपको बहुत अच्छे तरीके से, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, पर फिर भी यहां भी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। पांचवा अंतर है, कोटि अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारक अणुओं की सांद्रता के बीच संबंध को बताती है। ये अभिक्रिया का वेग और सांद्रता में क्या संबंध है, भाई किसकी सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा और किसकी सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग नहीं बढ़ेगा, और यार किसकी सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग कितने गुना बढ़ जाएगा। ये सारी बातें हमें कोटि से ही पता चलेंगी। और आणविकता किसी सरल या प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को बताती है, तो आणविकता की परिभाषा ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो थोड़ा सा ऊपर कर लूँ इसे, क्वेश्चन बहुत मजेदार है जो अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब ये है क्वेश्चन पांचवे का क, और पांचवे के क में कहा गया है, पांचवे के क का सेकंड, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्ध आयु का 2 गुना होता है। सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सभी बच्चों को भली भांति आना चाहिए। दोबारा पढ़ रहा देखो, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्ध आयु का 2 गुना होता है। कितने गुना होता है? 2 गुना। तो इधर तो हमने लिख दिया टी 3/4, देखो 3/4 का सवाल है ना, यानी 3/4 अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए कितना समय चाहिए, वो टी 3/4 के लिए लिखा है, यहाँ लिखा है अर्धायु काल के लिए यानी टी हाफ के लिए। तो यदि आप टी 3/4 के लिए फार्मूला लगाओगे तो टी 3/4 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। सब ज्यों का त्यों रहेगा, ए की जगह तो हम लिखेंगे 1, और ए की जगह हम लिखेंगे 1, और एक्स की जगह लिखेंगे हम 3/4। सब ज्यों का त्यों रहेगा, आपको पता है ये 4 यहाँ आ जाएगा, 4 में से 3 घटाने और बटे में 4, 4 में से 3 घटाने और बटे में 4, ये 4 तो चले जाएंगे ऊपर और 4 में से 3 गए 1, यहाँ पहुंच गए हम। तो टी 3/4 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 4/1। अब आपको पता है लॉग 4 को आप लिख सकते हो लॉग 2 की घात 2, और लॉग के नियम के अनुसार ये 2 घात कहाँ चली जाती है, स्टार्टिंग में यहाँ चली गई। तो यहाँ बचा टी 3/4 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के 2, ये 2 यहाँ पर आ चुका है, 2 log 2, इसे हमने समीकरण नंबर 1 कहा टी 3/4 के लिए। अब हमने क्या करा, टी हाफ के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही समीकरण हम बनाएंगे, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए की जगह तो हम लिखेंगे 1, ए की जगह तो हम लिखेंगे 1, और एक्स की जगह हम लिखेंगे 1/2, क्योंकि अर्धायु काल है, आधा हमारा जो अभिक्रिया है वो पूर्ण हो चुका है, तो 1 में से आधा गया आधा, और आधे के जो बटे में है वो 2 है, 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा टी हाफ इजिकल टू 2.303 अपॉन के लॉग 2, ये समीकरण नंबर 2 है। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 को भाग करना है समीकरण 2 से, ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर कर दूं इसे। अब आपको और ऊपर कर दूं, समीकरण 1 को भाग करना है किससे, समीकरण 2 से, मैं इसे कर दूं, ये तो पढ़ दिया ना मैंने, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करना है। ठीक हो गया ना, अब देखो जरा, जब आप समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करोगे, ये हमने भाग किया है यहाँ, टी 3/4 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू 2 log 2, और यहाँ टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 2, तो इससे तो ये पूरा कैंसिल, लॉग 2 से लॉग 2 कैंसिल, यहाँ क्या बचा है, 2 बचा है ना, लॉग 2 की वैल्यू रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ 2 बचा है। तो हमने पता चला है कि टी 3/4 इज इक्वल टू दुगना होगा किसका, ये तो इधर गुणा में चला जाएगा 2 की, तो टी 3/4 दुगना होगा टी हाफ का, अर्धायु काल का दुगना होगा। और क्वेश्चन भी हमारा यही था कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्धायु काल का कितना होता है, 2 गुना होता है, ये हमने सिद्ध कर दिया, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ध्यान रखना। उसके बाद आ जाओ आप पांचवे के खे पर, पांचवे के खे में कहा है हेमेटाइट और सीडेराइट का सूत्र लिखिए, आयरन के निष्कर्षण में प्रगलन में प्रयुक्त भट्टी का नामांकित चित्र बनाकर उसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं भी लिखिए। भाई निष्कर्षण वाला पूरा चैप्टर हटाया गया, हमने उत्तर में लिख दिया 30% में हटाया गया, और यही नहीं लिख के आना आपको कभी, आप एग्जाम में लिख दो इस तरह।
पांचवे का गय, क्वेश्चन ही नहीं आएगा। पांचवे का गय, उप सह संयोजक यौगिकों के वर्नर सिद्धांत की अभिधारणाएं लिखिए तथा निम्न यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। एक तो ये रखा है K3CO NO2 Hall 6 और CuNH3 Hall 4 SO4, ये दो कंपाउंड दे रखे हैं और वर्नर का सिद्धांत भी पूछा गया है। ठीक है, वर्नर का सिद्धांत भी पूछा गया, वर्नर थ्योरी। चलो देखते हैं, बहुत बढ़िया थ्योरी है वर्नर की थ्योरी। वर्नर ने क्या बताया था? वर्नर ने बताया था, जैसे मैं आपको CuNH3 का होल 4 SO4 की बात करता हूं, CuNH3 का होल 4 और SO4। वर्नर ने बताया था कि आपके पास कोई भी उप सह संयोजक यौगिक है तो उप सह संयोजक यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है ना, जैसे यहाँ कॉपर है, तो इसके ऊपर संयोजकताएं होती हैं दो प्रकार की। एक तो संयोजकताएं ऐसी होती हैं जो ब्रैकेट के बाहर लिखी जाती हैं, जिसे हम कहते हैं प्राथमिक संयोजकता, और एक द्वितीयक संयोजकता। यानी कुछ संयोजकताएं तो ऐसी होती हैं, जैसे 4 NH3 हैं तो 4 NH3 ऐसे जुड़ सकते हैं, ये चारों NH3 जुड़ जाएंगे, और एक SO4 ऐसे डॉटेड संयोजकता से जुड़ेगा। तो ये जो डॉटेड संयोजकता है, ये तो पानी में घोलने पर टूट जाती है, ये बॉन्ड टूट जाता है, ये तो आयनन योग्य होती है। पर जो रेगुलर लाइन से हम संयोजकता दिखाते हैं वो आयनन योग्य नहीं होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है बस आपको कि उप सह संयोजक यौगिकों में जो केंद्रीय धातु परमाणु हैं उनके ऊपर दो प्रकार की संयोजकताएं दिखाई देती हैं। ठीक है, देखो अभी समझ में आएगा, वैसे तो मैंने फ्रेश वीडियो में सब कुछ समझा रखा है आपको। यहाँ लिखा हुआ है, वर्नर के अनुसार किसी उप सह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकताएं दिखाता है, नंबर एक प्राथमिक संयोजकता और नंबर दो द्वितीयक संयोजकता। अब प्राथमिक संयोजकता की बात करते हैं, जो मैंने डॉटेड से दिखाई थी, ये ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। ठीक है, विलयन में आयनित हो जाती हैं, अर्थात आयनन योग्य होती हैं। भाई डॉटेड लाइन से इसलिए दिखाया था क्योंकि वो पानी में घुल के बॉन्ड टूट जाएगा, कमजोर बॉन्ड है इसलिए। ठीक है, इसलिए डॉटेड से दिखाया था क्योंकि जो बॉन्ड टूट सकता है उसे हम डॉटेड से दिखा सकते हैं। अब देखो जरा, यहाँ अगली बात करेंगे, इनको बिंदुदार रेखा यानी डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। बिंदुदार रेखा से ही तो दिखाया था मैंने, अभी नीचे एक एग्जाम्पल भी आ जाएगा, वहां समझ में आ जाएगा आपको। इसके द्वारा जुड़े ऋण आयनों को ब्रैकेट से बाहर लिखते हैं, अभी ये बात भी बताई थी ना, ब्रैकेट से बाहर लिखे जाते हैं। प्रकृति अदिशात्मक होने के कारण इनसे यौगिक की ज्यामिति का कोई संबंध नहीं होता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो ये प्राथमिक संयोजकता है जिसे बिंदुदार रेखा से हम दिखाते हैं, इस संयोजकता या इस बॉन्ड का नेचर कैसा होता है? अदिशात्मक होता है, यानी ये एक आयनिक बंध जैसा है। किसके जैसा है? आयनिक बंध। और आयनिक बंध जो है वो अदिशात्मक होते हैं, और जब कोई बंध अदिशात्मक होते हैं उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, तो उन बंधों की सहायता से हम यौगिक की ज्यामिति या स्ट्रक्चर या आप उसका विन्यास नहीं बता सकते हो कि उसकी आकृति कैसी होगी, उसकी ज्यामिति कैसी होगी, ये ध्यान रखना है आपको। अब बात करेंगे हम द्वितीयक संयोजकता की। किसकी बात करेंगे? द्वितीयक संयोजकता। तो द्वितीयक संयोजकता में है, ये ऋण आयनों व उदासीन अणुओं व कभी कभी धनायनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती हैं, जिसे समन्वय संख्या कहते हैं। भाई जो आपके लिगेंड्स होते हैं ना, लिगेंड्स, वे लिगेंड्स, जरा एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लूं, वो जो लिगेंड्स होते हैं वे लिगेंड्स द्वितीयक संयोजकताओं द्वारा ही जुड़े होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु से। ठीक है, कौन सी संयोजकताओं द्वारा? द्वितीयक। तो यहाँ लिखा हुआ है द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है, और आपको बताया केंद्रीय धातु परमाणु से जितने लिगेंड्स जुड़े होते हैं या जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, उन कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की संख्या को ही आप कहते हो समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसह संयोजन संख्या। तो इन्होंने लिखा है द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है, जिसे समन्वय संख्या कहते हैं, उस संख्या को जितनी द्वितीयक संयोजकता होती है। इसकी संतुष्टि से यौगिक के संकुल भाग का निर्माण होता है। संकुल भाग तो पता है, जो बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है उसे संयोजक यौगिकों में, उसे कहते हैं संकुल। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? संकुल कहते हैं। विलयन में आयनित नहीं होती हैं। भाई ये विलयन में कहाँ आयनित होंगी? ये तो होने की नहीं आयनित, रेगुलर बॉन्ड से दिखाया था हमने इनको, सतत रेखा यानी रेगुलर लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। केंद्रीय धातु व द्वितीयक संयोजकता से जुड़े लिगेंड्स को बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। भाई जब ऊपर कह दिया संकुल भाग का निर्माण करते हैं तो बड़े ब्रैकेट में तो लिखना ही है। ये प्राथमिक संयोजकताओं से प्रबल बंध बनाती हैं,
भाई प्रबल बंध हैं, इसलिए पानी में घुलकर ये संयोजकता वाले बॉन्ड नहीं टूटते हैं, जबकि प्राथमिक संयोजकता वाले बॉन्ड डॉटेड लाइन से हमने दिखाए में थोड़े कमजोर हैं, पानी में घुलते टूट जाएंगे। उसके बाद इनकी प्रकृति दिशात्मक होती है, अर्थात इनसे यौगिक की ज्यामिति का पता चलता है। भाई प्रकृति दिशात्मक पता क्यों होती है, मैं बताऊं आपको, प्रकृति सिर्फ दो ही बॉन्ड की दिशात्मक होती है, या तो सहसंयोजक बंध हो या तो उपसहसंयोजक बंध हो। और ये जो आपकी द्वितीयक संयोजकता है ना, जिसे आप रेगुलर लाइन से दिखा रहे हो, ये सहसंयोजक बंध नहीं होता है, ये होता है उपसहसंयोजक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जिसे आप तीर के निशान से दिखाते हो। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है ना, जब 11th क्लास में आपने पढ़ा था तो पढ़ा था कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, दिशात्मक होती है इसकी प्रकृति। अब आते हैं नेक्स्ट, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लो आप। चलो प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता पता चल गई ना, एग्जाम्पल से और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल देखते हैं। चलो इसके देखो भाई, ज्यामिति का जो हमें पता चलता है वो ज्यामिति चतुष्फलकीय हो सकती है, वर्ग समतलीय हो सकती है, अष्टफलकीय। देखो चतुष्फलकीय ही तो बना हुआ है, ये मेटल है, मेटल एटम, एक बॉन्ड ऊपर है, तीन नीचे है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। वर्ग समतलीय ऐसा होता है, अष्टफलकीय ऐसा होता है। अब एक एग्जाम्पल है CO Cl3 × 6 NH3, ये CO है, 6 NH3 जुड़े हुए हैं, तो 6 NH3 तो जुड़ेंगे रेगुलर लाइन से, देखो रेड कलर से जोड़ रखे हैं 6 NH3 रेगुलर लाइन से, और 3 Cl हैं, इन्हें हमने जोड़ा है डॉटेड लाइन से, क्योंकि डॉटेड लाइन वाली है प्राथमिक संयोजकता, ये पानी में घुलते ही टूट जाएगी, और जो रेगुलर लाइन है वो द्वितीयक संयोजकता है, वो जल में आयनित नहीं होगी। अब यहाँ देखो, आप सोना नहीं है किसी को भी, कभी सो जाओ, जागते रहना है, बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाई करनी है, ईमानदारी से, ठीक है। देखो CO Cl3 × 5 NH3 × H2O, तो यहाँ ये जो 3 Cl हैं, इन्हें तो हम बनाएंगे प्राथमिक संयोजकता यानी डॉटेड लाइन से, ये आयनों में टूट जाएंगे ना तीनों Cl, और 5 NH3 और 1 H2O, 5 NH3, 1, 2, 3, 4, 5 और 1 H2O, इन्हें हमें रेगुलर लाइन यानी द्वितीयक संयोजकताओं से जोड़ना है। फिर इसी क्वेश्चन में इन्होंने कहा था कि यार K3CO NO2 होल 6 और CONH3 होल 4 SO4 के क्या बता दो IUPAC नाम, यह IUPAC नाम भी हर साल पेपर में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना एग्जाम में आएंगे आपके IUPAC नाम बताने के लिए, ठीक है। चलो देखते हैं इसे भी, देखो ये तो K का मतलब तो हुआ पोटेशियम, 6 है नाइट्राइटो, हेक्सा नाइट्राइटो, और ये कोबाल्टेट, जब ऋणायनिक संकर होता है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के साथ 8 जोड़ते हैं 8। अब इसकी संयोजकता कितनी होगी भाई, 6 तो माइनस की ये हैं और 3 प्लस की ये हैं, तो 6 में से 3 गए, 3 माइनस बचेगा, और 3 माइनस को खत्म करने के लिए सिर्फ 3 इकाई धनावेशित होना पड़ेगा, यानी यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा है +3, ठीक है। प्लस या माइनस लिखने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, आपको रोमन पद्धति में लिखना होता है, ये बातें सिखा रखी हैं आपको सारी। उसके बाद CONH3 होल 4 SO4, टेट्रा 4 है, एमीन तो टेट्रा एमीन, कॉपर ज्यों का त्यों, ऑक्सीडेशन नंबर इसका तो 0 ही होता है, ये -2 है, -2 को खत्म करने के लिए इसे +2 होना पड़ेगा, इसलिए कॉपर के ब्रैकेट में हमने लिखा सेकंड, और बाहर क्या है सल्फेट है, बस ये तो कर ही दोगे आप। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर कर लूं मैं। अगला क्वेश्चन है पांचवे का, घे सैंड मेयर विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए, AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की HNO3 तथा CHCCl3 CHCl3 से होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए, फ्रेयोन का सूत्र और उपयोग लिखिए, 30% में हटाया गया, 30% में हटा दिया पूरा क्वेश्चन। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, फोकस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ना, ठीक है ना, फोकस सही दिखाई दे रहा ना आपको, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है छठे का, क्या प्राथमिक एमीन और एल्कीन से प्राथमिक अल्कोहल के विरचन, प्राथमिक अल्कोहल के विरचन की विधियां लिखिए तथा प्राथमिक अल्कोहल की निम्न के साथ अभिक्रिया लिखिए, RCWH कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, HX के साथ, अल्कोहल के प्रमुख उपयोग भी लिख लिए, कर लेंगे हम। इन्होंने कहा है प्राथमिक एमीन से और एल्कीन से बना हुआ अल्कोहल, तो प्राइमरी एमीन से अल्कोहल बनाना है। देखो प्राइमरी एमीन RNH2, इसके ऊपर HNO2 का रिएक्शन कर दो नाइट्रस एसिड का, आपको पता है नाइट्रोजन के दोनों तरफ के बॉन्ड टूट जाएंगे, OHNO, ROH बन गया, N2 गैस बन गई, H2O बन गया, तो हमें
प्राइमरी एमीन से क्या बनाना था, एल्कोहल बना दिया। उसके बाद एल्कीन से बनाना था एल्कोहल, एल्कीन मीन्स डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, उसका हमने जल अपघटन करा अम्ल की उपस्थिति में, तो ये एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक तरफ एच एक तरफ OH, ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। फिर इन्होंने कहा था हमें कि यार एक तो रिएक्शन दिखा दो आप RCOOH से, यहाँ नंबर एक है नंबर दो डालना चाहिए, RCOOH से रिएक्शन दिखानी है। तो आपको पता है एसिड प्लस एल्कोहल इज इक्वल टू एस्टर, पता है ना, एसिड जब भी एल्कोहल से रिएक्शन करता है तो एस्टर बनता है, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं एस्टरीकरण या एस्टरीफिकेशन। तो यहाँ RCOOH है, इन्होंने कहा था ना RCOOH से रिएक्शन करो, RCOOH है और एल्कोहल है ROH, तो यहाँ से OH यहाँ से H, ये H2O निकल गया, मेन प्रोडक्ट आपके पास बचा है RCOOR, RCOOR, RCOOR कहो या RCOOR कहो, इसे कहते हैं हम एस्टर, इसमें एस्टर बनता है, इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं एस्टरीकरण, एसिड प्लस एल्कोहल इज इक्वल टू एस्टर। उसके बाद इन्होंने कहा था HX से भी क्रिया करो, तो HX से भी हमने कर दी, ROH प्लस HX, यहाँ से OH यहाँ से H, ये H2O निकल गया, मेन प्रोडक्ट आया RX, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। फिर इन्होंने कहा था एल्कोहल के प्रमुख उपयोग लिखिए, हमने बताया एल्कोहल के उपयोग 30% में हटाया गया, एल्कोहल के उपयोग क्या करें, हटा दिए ना 30% में। अब अथवा करके छठे के कै में ही एक क्वेश्चन हो रहा है, इसे भी देख लो, अथवा करके छठे के कै में इन्होंने एक क्वेश्चन और दिया है, उस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, छठे का कै, छठे का कै, छठे के कै में दिया है, देखना जरा ठीक है ना, छठे का कै, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनोल का विरचन कीजिए, फिनोल की निम्न के साथ होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए, KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करानी है, NaOH से रिएक्शन करानी है, सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 से रिएक्शन करानी है। तो देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनोल बनाना है, ये तो 30% में हट गया है, ठीक है, पर हम इसका रिएक्शन फिनोल का करा देंगे, क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन KOH की उपस्थिति में, अभी बताया था राइमर टीमन रिएक्शन है, देखो ये फिनॉल है OH यहाँ H, और ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3, और जितने Cl हैं उतने ही KOH ले लो आप, 3K 3 Cl, ये तो निकल गया 3K Cl। अब H देखो 1 2 3 4 और 1 5 है, 5 में से 4 H यूज होंगे जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, 1 2 3 4, 4 H को आप ऐसे लिख सकते हो 2H2, और ऑक्सीजन कितने हैं, एक और एक दो ऑक्सीजन ले लो, तो दो ऑक्सीजन, तो दो जल के अणु। अब क्या बचा है हमारे पास, हमारे पास सी बचा है, ठीक है, और एक एच बचा है और एक ओ बचा है, ये सी एच तो जुड़ जाएगा, इसे हम कहते हैं सैलिसाइलल डिहाइड, क्या कहते हैं, सैलिसाइलल डिहाइड है, राइमर टीमेन रिएक्शन है ये भी, ठीक है। अब देखो चलो नेक्स्ट नंबर दो, इन्होंने कहा था यार NaOH के साथ रिएक्शन कराओ, तो C6H5OH प्लस NaOH, यहाँ से एच गया यहाँ से OH गया, H2O निकल जाएगा, C6H5ONa बन जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड आप इसे कह सकते हो। उसके बाद तीसरे नंबर पे इन्होंने कहा था सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दो, सांद्र HNO3 को आप कह सकते हो OHNO2, तो ये तीन अणु रिएक्शन करेंगे तीनों पोजीशन पे, सिखा रखी है ना रिएक्शन, यहाँ से H यहाँ से OH यहाँ से H यहाँ से OH यहाँ से H यहाँ से OH, तीन निकल जाएंगे जल के अणु, और तीनों जगह कौन आ जाएगा, NO2, तो ये बन जाएगा ट्राई नाइट्रोफिनॉल, क्या बन जाएगा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, तीनों जगह नाइट्रो ग्रुप आ गया है फिनॉल पर, जिसे हम TNT भी कहते हैं और पीकरिक अम्ल भी कहते हैं, और बहुत एक विस्फोटक पदार्थ होता है। चलो अगली बात करेंगे, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन है छठे का खे, क्या होता है जब बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक आ जाती हैं परंतु विद्यार्थी फिर भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है, कुछ और बातों पर ही वो ध्यान दे रहा होता है, क्या होता है जब बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक आ जाती हैं, कुछ उल्टी करने का मन करता है, कुछ सिर में चक्कर आते हैं, सिर में दर्द होता है, नींद आती है बहुत ज्यादा, यही तो सब कुछ होता है ना आपके साथ, तो छठे का खे क्या होता है जब बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक आ जाती हैं। चलो खैर यहाँ देखो बेंजल डिहाइड की क्रिया सेमी कार्बोजाइड से करानी है, तो क्या होगा, कीटोन इथाइलीन ग्लाइकोल से अभिक्रिया करता है तो क्या होगा, प्रोपिनोन को बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा, RCOOH को PCl5 के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा, बेंजल डिहाइड को NaOH के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा, इन सारी बातों को बताएंगे क्या होगा, क्या होता है, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में जरूर, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक, देखो यहां से करें स्टार्ट,
ये क्वेश्चन है हमारा, पहला था कि हमें बेंजल डिहाइड की सेमी कार्बेजाइड से रिएक्शन करानी थी। ये सारे रिएक्शंस मैंने आपको करा रखे हैं फ्रेश वीडियोस में। बेंजल डिहाइड C6H5CHO, सेमी कार्बेजाइड NH2NHCONH2, तो यहाँ से H2, यहाँ से O, ये निकल गया H2O, प्रोडक्ट आया C6H5CH। देखो C6H5CH यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा इनके साथ, डबल बॉन्ड NNHCONH2। इसे हम कहेंगे बेंजल डिहाइड सेमी कार्बेजोन। बेंजल डिहाइड प्लस सेमी कार्बेजाइड इज इक्वल टू बेंजल डिहाइड सेमी कार्बेजोन, और H2O यहाँ निकला है। उसके बाद इन्होंने कहा था एसीटोन की इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करा दो, एसीटोन या कोई भी कीटोन हो, CH3COCH3 है, कीटोन है, और इथाइलिन ग्लाइकोल होता है CH2CH2 के ऊपर, दोनों के ऊपर एक एक OH, तो यहाँ से दोनों एच और ये ओ निकल जाएगा, H2O निकल गया, और इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन और इसी के साथ ये वाला ऑक्सीजन, इसी कार्बन से दोनों ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे। ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है इसे कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद तीसरे नंबर पे इन्होंने पूछा था कि हमारे पास एसीटोन है और एसीटोन को बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमें गर्म करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। एसीटोन, ये एसीटोन है CH3COCH3, और ये भी दूसरा भी एसीटोन है CH3COCH3। बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब भी आप गर्म करोगे तो क्या होगा, होगा ये कि यहाँ से एक एच निकलेगा और यहाँ से एक एच निकलकर इस ऑक्सीजन के साथ, एच निकला ऑक्सीजन के साथ, ऐसा मान लो कि एक बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से, ये वाला, और ये वाला बॉन्ड टूटने के बाद इस कार्बन के ऊपर तो जुड़ेगा CH2COCH3, और जो एच यहाँ से निकला वो ऑक्सीजन के साथ। देखो ये तीनों दोनों CH3 ज्यों का त्यों, कार्बन ज्यों का त्यों है, ओ के साथ कौन गया एच, और नीचे कार्बन पे क्या जुड़ा CH2COCH3, देखो CH2COCH3, इसे कहते हैं डाई एसीटोन एल्कोहल। तो यही प्रोडक्ट बनता है, मेन तो यही है। यदि आप इसे गर्म करोगे तो यहाँ से तो एच निकल जाएगा, यहाँ से ओ एच एच टू ओ निकल जाएगा, और यहाँ कार्बन और सी एच के बीच में क्या आ जाएगा, वो तो पूरा गया, कार्बन और सी एच के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो ये आ जाएगा CH3CH3, और ये कार्बन और इसमें डबल बॉन्ड CH CO CH3। वैसे यहाँ तक आप रिएक्शन कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हम नंबर चार पर, नंबर चार, ठीक है, नंबर चार है, इन्होंने कहा था कि हमारे पास जो RCOOH है उसके ऊपर PCl5 का रिएक्शन कराओ, या PCl5 के साथ इसे गर्म कर दो। ये रिएक्शन PCl5 वाला तो आता है ना सबको करना, RCOOH के ऊपर जो PCl5 का आप रिएक्शन करते हो तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड टूट जाते हैं, इधर एक सी एल, इधर एक सी एल, बीच में PCl3, ये तो बनेगा RCOCl, ये बनेगा POCl3, और ये बनेगा HCl, RCOCl, POCl3 और HCl। इसका नाम पता है ना आपको, इसका नाम है एल्केनोइल क्लोराइड। उसके बाद नंबर पांच पर है कि आपके पास जो C6H5CHO है, माने बेंजल डिहाइड है, उसे कंसंट्रेट NaOH के साथ गर्म करना है, या 50% NaOH भी कह सकते थे। इस रिएक्शन को हम कहते हैं कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, जब भी आप इसका, जब भी कैनिजारो रिएक्शन की खासियत यह होती है कि आपके पास जो एल्डिहाइड है ना, उस एल्डिहाइड के पास अल्फा कार्बन नहीं होना चाहिए, यानी CHO ग्रुप के जस्ट बराबर में कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बोल रहा हूँ बहुत इजी वे में। क्या है इंपॉर्टेंट बात, कि कैनिजारो रिएक्शन में जो CHO ग्रुप के जस्ट बराबर वाला कार्बन है उसके ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, यानी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। और जब आप 50% NaOH या कंसंट्रेट NaOH से रिएक्शन करते हो तो इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी। जब CHO का आप रिडक्शन करोगे तो बन जाएगा CH2OH, तो ये C6H5CH2OH बनेगा, और इसका जब ऑक्सीडेशन करोगे NaOH के द्वारा तो यहाँ बन जाएगा COONa, यानी सोडियम साल्ट बन जाएगा, किसका, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट बन जाएगा, बेंजोइक एसिड का सोडियम साल्ट इसे कह सकते हो। इसका नाम यदि आप बताओगे तो आपको बताना चाहिए सोडियम बेंजोएट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैंने आपको कई बार कराई है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अथवा में क्या दिया है, अथवा में फिर एक क्वेश्चन दिया इन्होंने, अथवा छठे के खे में ही अथवा दिया, छठे के खे में क्या दिया, अथवा, देखें जरा छठे का खे, इन्होंने कहा है छठे के खे में एल्डिहाइड बनाने की तीन विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्नलिखित क्रियाओं को लिखिए, एल्डोल संघनन, कैनिजारो अभिक्रिया। मैं बार बार आपको कहता हूं कि एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जाम में जरूर दर्शन देंगे, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जाम में जरूर दर्शन देंगे,
एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल 100%, कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो इन्होंने कहा है एल्डिहाइड बनाने की 3 विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए और ये 2 रिएक्शन बताइए। देखो आपके पास प्राइमरी एल्कोहल है RCH2OH, इसका ऑक्सीडेशन कर दो आप K2Cr2O7+H2SO4 से, क्या होता है जब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ से एच और ये वाला ओ एच टू ओ निकल जाता है, मेन प्रोडक्ट आता है RCHO, बन गया एल्डिहाइड। यानी प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास प्राइमरी एल्कोहल को कॉपर के साथ गर्म कर दो तो हो जाता है डीहाइड्रोजिनेशन, वी हाइड्रोजनीकरण, यानी H2S निकल जाती है HHH2। यदि यहाँ से भी एच यहाँ से भी एच निकल गया तो क्या बचा RCHO, तब भी आपको क्या मिलता है एल्डिहाइड मिलता है, क्या मिलता है एल्डिहाइड। अब आते हैं नंबर 3 पर, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एल्कीन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्कीन, क्या है एल्कीन। एल्कीन के ऊपर जब ओजोन का रिएक्शन आप करते हो, 10th क्लास में भी इस रिएक्शन को आपने पढ़ा है, तो हमें ओजोनाइड मिलता है कुछ इस तरह का, CH2 CH2, एक ओ ऊपर दो ओ नीचे, रिएक्शन सारी सिखा रखी है आपको प्रेस वीडियोस में बहुत अच्छे तरीके से। अब आप इसके ऊपर जब जल अपघटन कराओगे, जल की क्रिया कराओगे, तो ये H2O इस ऑक्सीजन को ले आएगा H2O2 बनाकर, और यहाँ CH2O CH2O, ये दो हिस्से कट के निकल गए ना, इधर का दो CH2O, CH2O की सच्चाई है HCHO, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 2 रिएक्शन हमें पूछे हैं, इन्हें थोड़ा सा ऊपर कर लूँ मैं थोड़ा सा। एक तो इन्होंने हमारे से पूछा है, क्या क्या पूछा है भाई, एक तो पूछा है एल्डोल संघनन। भाई एल्डोल संघनन में एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और यहाँ कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखोगे ना। अब देखो एल्डोल संघनन, ये हमारे पास एल्डिहाइड है CH3CHO और यहाँ भी CH3CHO, देखो CHO के जस्ट बराबर वाला कार्बन अल्फा कार्बन और उसके ऊपर हाइड्रोजन है, तो एल्डोल संघनन दिखाएगा, डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड तो यहाँ चला जाएगा दोनों को जोड़ने के लिए, और ये एच का जो परमाणु है वो यहाँ आ जाएगा ऑक्सीजन के पास संयोजकता पूरी करने के लिए, क्योंकि यहाँ तो एक ही बॉन्ड बचेगा ना, तो ये बनेगा हमारे पास CH3CHOH, यहाँ क्या हुआ OH ही तो हुआ, ये सिंगल बॉन्ड जो यहाँ से पाई बॉन्ड गया इन दोनों को जोड़ दिया CH2CHO, इसे कहते हैं हम एल्डोल, एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल। यदि आप इसे गर्म करते हो ना तो यहाँ सेट जेफ का नियम लगता है, OH तो यहाँ से निकलेगा और एच निकलेगा वहां से जहाँ कम होगा, इधर कितने एच हैं दो, इधर कितने हैं तीन, तो यहाँ से निकलेगा, तो ये H2O निकल जाएगा, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, इसे कहते हैं क्रोटोनल डिहाइड। तो ये होता है एल्डोल संघनन, और एल्डोल संघनन की खासियत ये होती है कि इसमें आपके पास जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है, यदि इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन ना होता तो ये यहाँ ऑक्सीजन के पास किसे भेजता, कोई भेजने के लिए तो चाहिए था ना इसे, हाइड्रोजन चाहिए था। अब आते हैं अगला नंबर, कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया की खासियत यह है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ये क्रॉस का निशान है, गलत का निशान है, नहीं होना चाहिए। देखो 2HCHO+50% NaOH, ऊपर भी एक रिएक्शन मैंने अभी कराया था कैनिजारो रिएक्शन, जहां बेंजल डिहाइड के ऊपर कंसंट्रेट NaOH का रिएक्शन कराया था, ऑक्सीडेशन भी हुआ रिडक्शन भी, तो 2HCHO के ऊपर यदि 50% NaOH का आप रिएक्शन करते हो तो ये तो रिडक्शन से बनता है प्रोडक्ट और ये बनता है ऑक्सीडेशन से, सोडियम साल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये होती है कैनिजारो रिएक्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अब है हमारे पास सातवें का कै का पहला, सातवें के कै का पहला, फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए तथा इसकी कॉपर सल्फेट विलयन के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, 30% में हटाया गया। सातवें के कह का दूसरा, प्रयोगशाला में SO2 बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसकी अम्लीय KMnO4 विलयन से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। हमने लिख दिया S+O2=SO2, प्रयोगशाला विधि है, और KMnO4 की क्रियाओं को 30% में हटाया गया है। अब आते हैं हम अथवा पर, अथवा में है ओस्टवाल्ड विधि द्वारा HNO3 के निर्माण का वर्णन रासायनिक अभिक्रिया देते हुए कीजिए और निम्न के साथ HNO3 की अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए, कॉपर प्लस गर्म व सांद्र HNO3 और फास्फोरस प्लस सांद्र HNO3, बहुत इंपॉर्टेंट है ओस्टवाल्ड विधि। देखो सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की विधियों को तो हटा दिया गया है, पर इसका तो है ना HNO3 का, और है तो फिर समझ लो कभी एग्जाम में दर्शन हो ही जाए आपको, ठीक है।
हमारे पास क्या है जो ओस्टवाल्ड विधियस की खासियत यह है कि इसमें कितने चैम्बर हैं, 1, 2 एंड 3, कितने चैम्बर हैं, तीन इसमें कक्ष हैं, तीन इसमें चैम्बर हैं। पहले का नाम है उत्प्रेरक कक्ष, इसमें प्लेटिनम रोडियम है, 500 केल्विन टेम्परेचर है, 9 बार है इसका दाब इस चैम्बर का। दूसरा चैम्बर है आक्सी कारक स्तंभ, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, ऑक्सीजन के कारण ऑक्सीकरण होगा। तीसरा है अवशोषण कक्ष, या आप इसे अवशोषण कक्ष ना कहकर आप कह सकते हो अवशोषक स्तंभ या अवशोषण स्तंभ। इसमें ऊपर से क्या गिरता है, जल। ऊपर से क्या गिरता है, जल। ऊपर से तो इसमें जल गिर रहा है, देखो यहाँ से जल का फुहारा है, और नीचे से इसमें गैस प्रवाहित हो रही है NO2। ठीक है, तो NO2 और जल की रिएक्शन करने से HNO3 बनता है। अब देखो क्या होता है कि जब आप अमोनिया और वायु के मिश्रण को, इस वायु में ऑक्सीजन है, जब आप अमोनिया और वायु के मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हो तो अमोनिया वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके बना लेती है NO गैस। ठीक है, उत्प्रेरक ये है, टेम्परेचर इतना है और दाब इतना है, तो NO गैस बनेगी, तो इसमें से NO निकली। NO कहाँ पहुंची, ऑक्सीकारक स्तंभ में। इस NO ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करके NO2 बना लिया, या आप कह सकते हो कि NO का ऑक्सीकरण किस में हुआ है, NO2 में। अब ये NO2 गैस फिर निकली बाहर और कहाँ पहुंची, अवशोषण कक्ष में। नीचे से NO2 जा रही, ऊपर से H2O गिर रहा, और बीच में हमारे पास पत्थर के टुकड़े हैं, क्वार्ट्स पत्थर के टुकड़े। अब बच्चों के क्वेश्चन ये होते हैं कि सर एक बात बताओ, ये पत्थर के टुकड़े क्या कर रहे हैं, क्या जरूरत है इनकी पत्थर के टुकड़ों की। तो आंसर ये है कि गैस जब नीचे से जाएगी तो पत्थर के टुकड़ों के बीच में से होके जाएगी, बिल्कुल पत्थरों के बीच में से, और ऊपर से जो पानी गिरेगा वो भी पत्थरों के बीच में से होके जाएगा। तो गैस और पानी को एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट करने का टाइम मिल जाएगा, एक बढ़िया मौका हम प्रदान कर रहे हैं नीचे से जाने वाली गैस और ऊपर से पानी को आपस में कॉन्टेक्ट करने का। और उस पानी में जब NO2 गैस घुलेगी तो हमारा बनेगा HNO3। ठीक है, देखो 4NH3+5O2, ये रिएक्शन है उत्प्रेरक कक्ष की, 4NH3+5O2 यानी वायु की ऑक्सीजन, प्लेटिनम रोडियम गाज उत्प्रेरक, 500 केल्विन टेम्परेचर, 9 बार दाब, 4NO+6H2O, NO बन गया। अब 2NO+O2=2NO2, ये यहाँ हुआ ऑक्सीकारक स्तंभ में। उसके बाद ये ऊपर से गिर रहा H2O और नीचे से NO2 गैस जा रही, दोनों रिएक्शन करेंगे तो HNO3 हमारा बनेगा, जो नीचे इकट्ठा हो रहा है, जिसे समय समय पर हम बाहर निकालते रहेंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। अब इसका वर्णन करना है हमें, देखो वर्णन भी करते हैं इसका, इस तरीके से इसका एक्सप्लेन इसे हमें करना है, वो भी थोड़ा सा समझेंगे, बहुत आसान है, हालांकि सारी बातें आपको सिखा रखी हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, पर फिर भी कोई बात नहीं, चलो सीखेंगे दोबारा। फिर सबसे पहले हम बात करते हैं उत्प्रेरक कक्ष की। उत्प्रेरक कक्ष में क्या होता है, इसमें अमोनिया का वायु द्वारा यानी O2 ऑक्सीकरण होता है, प्लेटिनम रोडियम उत्प्रेरक 500 केल्विन ताप पे 9 बार दाब की उपस्थिति में NO में होता है, यानी NH3 का ऑक्सीकरण किस में हो जाता है, NO में। उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीकारक स्तंभ में गई NO गैस, इसमें NO का ऑक्सीकरण O2 द्वारा NO2 में हो जाता है, फिर NO किस में बदल जाएगी, NO2 में। उसके बाद है अवशोषण स्तंभ, क्या है अवशोषण स्तंभ, इसमें NO2 के जल में अवशोषण से 68% HNO3 प्राप्त होता है, जिसके निर्जलीकरण से 98%, कितना, निर्जलीकरण से 98% HNO3 प्राप्त कर लिया जाता है। ये रिएक्शन है 5Cu। फिर इन्होंने एक बात भी तो कही थी, यूं कहा था कि कॉपर और गर्म सांद्र HNO3 से क्रिया बताओ और फास्फोरस और सांद्र HNO3 की क्रिया बताओ। तो कॉपर और सांद्र HNO3 की क्रिया कराओगे, कॉपर नाइट्रेट बनेगा, N2 गैस बनेगी और जल बनेगा, और यदि फास्फोरस की HNO3 से रिएक्शन कराओगे सांद्र से, तो S3PO4 बनेगा, NO2 गैस बनेगी और 2H2O। ये दोनों रिएक्शन आपको याद रखनी है। अब आते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। सातवें का खै होगा इस बार हमारे पास, सातवें का खै ये है, सातवें का खै, देखो सातवें का खै। ठीक है, करें स्टार्ट। सातवें के खै में कहा है ग्लूकोज बनाने की दो विधियों को रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए, इसकी NH2OH व CH3CO2O, यानी एस क्या है, ये एनहाइड्राइड है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया लिखी है, हाइड्रोक्सीलेमीन है और एसिटिक एनहाइड्राइड है। इन अभिक्रियाओं से क्या पता चलता है, इन दोनों से क्या पता चलता है बताएंगे अभी, क्या पता चलता है, ग्लूकोज के उपयोग भी लिखी है। तो सबसे पहली बात करते हैं हम, थोड़ा सा इसे ऊपर उठा लूं, यहां से बात करेंगे। सबसे पहली बात करते हैं कि सुक्रोज का जब भी आप अम्लीय जल अपघटन करते हो तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, एक तो ग्लूकोज बनाने का तरीका यह है,
दूसरा तरीका यह है कि स्टार्च या सेल्यूलोज का यदि आप अम्लीय जल अपघटन करते हो तो ग्लूकोज ही ग्लूकोज आपको मिलेगा। ये तो हो गए दो तरीके। फिर इन्होंने कहा कि हाइड्रोक्सिलेमीन से रिएक्शन दिखाओ और एसिटिक एनहाइड्राइड से। यार हाइड्रोक्सिलेमीन से कार्बोनिल ग्रुप की पुष्टि होती है। इन्होंने पूछा है ना कि दोनों रिएक्शन से क्या फायदा है। कार्बोनिल ग्रुप की क्या होती है पुष्टि, कैसे होती है देखो। ये हमारे पास है ग्लूकोज CHO CHOOH का होल फोर CH2OH। जब आप NH2OH से रिएक्शन करते हो ना हाइड्रोक्सिलेमीन से, तो यहाँ से H2 और यहाँ से O, H2O निकल जाएगा, साइड प्रोडक्ट तीर के नीचे लिख सकते हो, और यहाँ O की जगह क्या आ जाएगा NOH, ये आ गया देखो NOH आ गया ना। तो ग्लूकोज ऑक्साइम बनता है। जब ग्लूकोज के ऊपर आप हाइड्रोक्सिल एमीन का रिएक्शन कराते हो तो ग्लूकोज ऑक्साइम बना, और यहाँ बना सिर्फ इसका मतलब यही कोई कार्बोनिल ग्रुप था। तो कार्बोनिल ग्रुप की पुष्टि के लिए आप हाइड्रोक्सिल एमीन का रिएक्शन कराते हो ग्लूकोज के ऊपर। उसके बाद है 5OH ग्रुप की पुष्टि। भाई इन्होंने कहा था ना, इन्होंने कहा था कि आप एसिडिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराओ, और बताओ एसिडिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा के हमें क्या पता चलता है, क्या फायदा है। तो यदि आपको 5OH ग्रुप की पुष्टि करनी है कि ग्लूकोज के पास 5OH ग्रुप होते हैं, तो आप ये CHO CHOH का होल फोर CH2OH, 5 नहीं है OH, देखो OH 4 तो ये रहे, ये रहा। तो इसकी पुष्टि करने के लिए आप एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा सकते हो। क्या होता है, CH3COO तो यहाँ से निकलेगा, और एच यहाँ से या चारों एच में से एक एच निकलेगा, 5 एच हैं उनमें से यहाँ से तो एच निकलता है, और CH3COO। तो देखो नीचे क्या लिखा है मैंने, -5 CH3COOH, 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 4 बार यहाँ से 1 बार यहाँ से, तो 5 बनेंगे एसिटिक एसिड। और ऊपर जो हमारे पास है ये देखो CHCOO, देखो एक ओ ये रहा, एक ये रहा, CHCOOCH3, हर जगह ये आ जाएगा। CHO ऊपर जाऊंगा तू, CHCOOCH3 होल फोर CH2COOCH3। तो क्या हुआ कि OH जहां भी था वहीं तो रिएक्शन हुई ना। OH कितनी जगह था, 5 जगह, जबी तो 5 एसिटिक एसिड के अणु निकले, या 5 हमारे पास बना ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। क्या बना, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। तो जब आप ग्लूकोज की एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं तो आपको पता चलता है कि यार ये जो ग्लूकोज है ना, ये इसका पेंटा एसिटेट आपको मिला है। इसका मतलब 5 जगह क्या था, OH ग्रुप था। तो 5OH ग्रुप की पुष्टि करनी हो तो इस रिएक्शन को आप लिख सकते हो। ये रिएक्शन जो है 5OH की ग्रुप की पुष्टि के लिए ही होता है। उसके बाद अगली बात करेंगे, चलो उपयोग भी तो कहे थे इन्होंने ग्लूकोज के, उपयोग उपयोग भी देखते हैं चलो थोड़ा सा। हो गया ना सही, अब सही हो गया। देखो अब है हमारे पास ग्लूकोज के उपयोग। परिरक्षक में, मधुरक के रूप में, रोगियों के आहार के रूप में, पता है ना ग्लूकोज की बोतल लगा दो जी बहुत कमजोरी आ रही मेरे, जैम जेली मुरब्बा बनाने में, या फिर ग्लूकोज का डब्बा लेकर घोल घोल के पियो, औषधियों के निर्माण में, फलों के परिरक्षण में, अथवा 7वें के ख के अथवा में ही क्वेश्चन दिया है, विटामिन क्या है, वसा में विलेय विटामिनों के अणुसूत्र रासायनिक नाम एवं महत्व लिखिए, और इनकी कमी से होने वाले रोगों के नाम भी लिखिए। 30% में हटाया गया पूरा चैप्टर, ठीक है, तो इसे भी चैप्टर को 30% में रिड्यूस कर दिया गया है। अब आपको ध्यान रखना है कि देखो ये मैंने दूसरा सेट आपको कराया है 347WB। अब तीसरा सेट में तैयार करने में लग रहा हूँ, जैसे ही तीसरा सेट तैयार हो जाएगा मैं आपको वीडियो उपलब्ध करा दूंगा उसकी, बस आप अपनी तैयारी करते रहो। और कोई भी बच्चा ऐसा मत सोचे बिल्कुल भी कि आप यूँ सोचते हो कि सर आपने रिवीजन नहीं कराया, सर आपने जो है हमें MCQs नहीं कराए, मैंने सारी चीज करा दी है। आप प्लेलिस्ट में घुसो तो सही, वहां तो भंडार भरा पड़ा है, और टेलीग्राम पे जो हमारा चैनल है वहां नोट्स भी मिलेंगे आपको सारे, आप वहां जाके देखो तो सही, ठीक है। बस मेहनत तो और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहो, और वीडियो का स्पीड अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर लिया करो, यदि आपको फास्ट करना है तो फास्ट कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाओ, चैनल के होम पेज पर जाकर पढ़ोगे तब भी आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, और प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ोगे तब भी आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो आपको एक डेफिनेट पैटर्न में पढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ओके बाय।